मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एक बार फिर से फिल्मी अड्डा पर आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ खास प्रोग्राम यानी कि पब्लिक रिव्यू। कल फिल्मी फ्राइडे में हमारा एक खास फिल्म रिलीज हुआ जो कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू को लेकर था। जी हाँ, फिल्म है बदला। पहले दिन में फिल्म ने क्या कमाई की और खासकर जो फिल्म देखने पहुंचे थे दर्शक, उन्हें ये फिल्म कैसी लगी, फैंस की तरफ से इन्हें कैसा रिव्यू मिला है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए कि सस्पेंस भरा जो ये मूवी है उसमें दर्शकों को क्या कुछ सीख मिला है और कितना इंटरेस्टिंग लगा उनको ये फिल्म, देखिए जरा। वेरी नाइस मूवी, अनएक्सपेक्टेड। मिस्टर बच्चन वाज इनक्रेडिबली ऑब्वियसली वेरी गुड पर्सन एंड तापसी इज सुपर्ब। दिस मूवी इज लाइक फॉर मी इज आई एम स्टिल लाइक इन दैट जोन राइट नाउ। आई मीन आई कांट बिलीव दैट दिस मूवी इज लाइक सो गुड एंड 9 o'clock द थिएटर इज फुल। आई रियली एंजॉयड द मूवी। थैंक यू। Yes, of course, very nice. Very nice. 5. Thank you. Great. Everything was great. Great screenplay, great direction, great acting, each and everything. Kya design kiya movie ko, fantastic. Awesome, always. Direction, awesome. The screenplay was very good. Aur, सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडिया में शूट ना होके बाहर शूट हुई, तो एक फील दोनों कंट्रीज का एक बेस्ट था। 3.5। बदला तो बहुत अच्छा है, मतलब एक एक सीन देखने लायक है। जो सस्पेंस है ना, कभी लग रहा है ये गलत है, कभी लग रहा है वो गलत है, मतलब देखने लायक है, सबको देखना चाहिए फिल्म। जबरदस्त एक्टिंग है, हम सभी जानते हो बहुत बड़े एक्टर है, तो बहुत ही अच्छा फिल्म। तापसी पन्नू भी अच्छा है, मतलब सबका एक्टिंग उसमें जबरदस्त है। जैसे मतलब सस्पेंस है, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है, मैं जैसे कह रहा हूँ, कभी लग रहा है ये गलत है, कभी लग रहा है वो गलत है, तो आई थिंक सबको देखना चाहिए फिल्म, बहुत ही अच्छा है। 5 में 5 दूंगा मैं। मतलब बहुत ही मिस्टीरियस, फनी तो नहीं बोल सकते, बट वन लाइनर्स बहुत ही अच्छे थे इस फिल्म में। उन्होंने बहुत सारे पंस मारे हैं और एक ऐसी छोटी छोटी बातें रखी है जो सुन के आपको लगता है कि ओ माय गॉड, ये कितना अच्छा से क्रिएट किया गया है। मैं सुजॉय घोष सर की मतलब बहुत फॉलो करती हूँ फिल्म्स, तो आप कहानी देखेंगे तो ये पैटर्न फॉलो करते हैं। और एक यस, आई एम अ बिग फैन। मैं अभी मतलब कैप्टन मार्वल रिलीज हुई है, लेकिन मैं उनको छोड़ के मिस्टर बच्चन की फिल्म देखने गई हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट मिस हिज फिल्म एट ऑल। और एक पॉइंट है, वो महाभारत की बहुत बात करते हैं, उसमें उनकी एक्टिंग बहुत डिफरेंट लगती है। तापसी पन्नू बहुत रियलिस्टिक एक्ट कर रही है, मैं उनको देखने के लिए आई जस्ट विमेंस डे इसलिए, क्योंकि उन्होंने पिंक में बहुत अच्छा रोल किया था। और उनकी फिल्म हमेशा अलग रहती है, इस फिल्म में उनका जो रोल है ग्रे कैरेक्टर है, बहुत ही वियर्ड है, लेकिन आई थिंक एवरीबडी विल लव। केमिस्ट्री, या इट्स अ गुड केमिस्ट्री, इट्स लाइक अ क्विज बिटवीन देम। और उनका एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है जहाँ पर उनकी डायलॉग का एक्सचेंज होता है, बहुत अच्छा है, एकदम गूज बम्स आ जाता है आपको सुन के, ऐसा अच्छा सीन है, पूरे थिएटर ताली मार रहा था। आई गेस 4.5। बच्चन और मूवी पुराना रिश्ता है, लास्ट में ताली ना बजे तो वो बच्चन नहीं। तापसी पन्नू इज ग्रेट, उनकी और बच्चन की जोड़ी आगे भी ऐसी मूवी देती रहेगी और हमें एंटरटेन करती रहेगी। एंड तक पकड़ रही, कैसे जाते थे लेकिन पकड़ नहीं सकते आगे, ये है। और तो 5। बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे ऐसे भी, मैं मर्डर मिस्ट्री पसंद करती हूँ और अमित जी को पसंद करती हूँ, और अमित जी लॉयर का रोल कर रहे हैं, इसके लिए खास करके मैं देखने आई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी है। तापसी पन्नू की भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, जो आर्गुमेंट है दोनों के बीच में वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मिस्टर बच्चन तो है ही, उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, दोनों ने आपस में जो बातचीत बनाए रखी वो हमें पकड़ के रखती है। 4। मतलब वाज रियली वेरी गुड, आई लव द मूवी एंड आई रियली एंजॉयड वाचिंग इट।
I like Tapsee more. Both are incredible. Yeah. I like Mr. Bachchan, but I'm not a fan of Mr. Bachchan. That's it. What about the box office? Yeah, that was good. Yeah. Thank you so much. The music, background music was really amazing. When the movie starts, there is some like credits in the background music. That background score is very good. Yeah, it's a paisa vasool. Not again, but it's a paisa vasool movie. I'll recommend to my friends and all. The director was very good. Yeah, I love the direction. Yeah? Out of 5 star, 3.5 to 4. तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से फिल्म बदला में जिस तरीके के सस्पेंस की कहानी को दर्शाया गया है, कहीं ना कहीं लोगों ने उससे तो बहुत कुछ सीखा ही है, लेकिन इसके अलावा महाभारत जैसी कई ऐसी बातें हैं जो उस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन ने कही है, और कई लोगों को उनकी ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 नंबर तो पूरे के पूरे मिलते हैं, लेकिन आगे यानी आने वाले दिनों में फिल्म कितनी कमाई करती है, कितना का व्यापार कर पाती है, ये सारी बातें उसी वक्त तय हो पाएगी। लेकिन फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए।